हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आइसोलेशन मॉड्यूल होता है, देखिए ये कंटिन्यू ग्लो करता है, यानी ब्लिंक नहीं करता है, कंटिन्यू ग्लो करता है। तो इसका मतलब इसमें इसका SLC में कहीं पे फॉल्ट आया है। तो उस फॉल्ट को देखने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर फॉल्ट आया है। ये चाहे तो कोई रॉन्ग कनेक्शन होगा या ग्राउंड फॉल्ट होगा, इस तरह से करके ये होगा। तो मैं देखता हूँ, तो इसके बगल वाला ही डिटेक्टर से मैं देखना शुरू करता हूँ। हो सकता हो कि इसी में ही हो कोई फॉल्ट, तो वो देख करके मैं, रॉन्ग कनेक्शन भी हो सकता है जिसके वजह से ये कंटिन्यू ग्लो। ये इंडिकेटर है, एक्चुअली ये इंडिकेट करता है, ये आइसोलेशन मॉड्यूल है, इसका इंडिकेटर है ये। तो इसको देखना है, तो चलिए मैं देखता हूँ। इसके इसके पास में ही एक डिटेक्टर है, इसको मैं खोलता हूँ। हो सकता हो कि इसमें भी रॉन्ग कनेक्शन हो सकता हो, तो मैं यहीं से चेक करना शुरू करता हूँ। तो खोल करके इसका कनेक्शन देखता हूँ। यहाँ पे कनेक्शन इसका रॉन्ग है। पॉजिटिव में ब्लैक केबल डाल दिया है, नेगेटिव में रेड केबल डाल दिया है। तो इसको मैं करेक्ट करता हूँ, देखें ये करेक्ट होता है कि नहीं। जैसे अभी ये खोलते ही ये नॉर्मली ब्लिंक कर रहा है, डिटेक्टर खोलने के बाद ब्लिंक कर रहा है, लेकिन मैं डिटेक्टर लॉक करता हूँ तो ये कंटिन्यू ग्लो करना शुरू हो जाता है। तो डिटेक्टर लॉक करके दिखाता हूँ, कंटिन्यू ग्लो करेगा। देखिए कंटिन्यू ग्लो करना शुरू कर दिया। तो मैं इसको खोल करके इसका रॉन्ग कनेक्शन ठीक करता हूँ पहले, उसके बाद देख इसको ठीक करते हैं। तो ये रॉन्ग कनेक्शन है इसका, इसका कनेक्शन सुधारना पड़ेगा। यानी जो रेड केबल है, रेड वायर है, इसको पॉजिटिव में डालना पड़ेगा। या कहीं क्या होता है कि चारों वायर एक ही तरफ लगा के रख देता है, या रेड ब्लैक, ब्लैक रेड, इस तरह से करता है, तो वो ठीक से लगाना है। दोस्तों अभी इसका मैं कनेक्शन सही कर दिया हूँ, अब इसमें डिटेक्टर लॉक करता हूँ। कनेक्शन टाइट रखना है, नहीं तो थ्रेशोल्ड दिखाएगा। ये नॉर्मल पे आ गया, और ये भी नॉर्मली ब्लिंक कर रहा है। देखिए, यानी मेरा यहीं पे प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है, वो मैं दिखाता हूँ आगे। कहीं पे ग्राउंड फॉल्ट भी हो सकता है, तो वो ग्राउंड फॉल्ट भी आपको मैं दिखाता हूँ। उसकी वजह से भी ये कंटिन्यू ग्लो करेगा। ये इसका यही काम होता है, एक तो आइसोलेट करना, दूसरा इसका इंडिकेटर जो है वो यहीं पर ये शो करना शुरू कर देता है कि आपके सर्किट में कहीं प्रॉब्लम चल रहा है, किसी फॉल्ट चल रहा है, कहीं अर्थिंग फॉल्ट होगा, कहीं पे रॉन्ग कनेक्शन होगा, इस तरह से ये दिखाएगा। तो इसलिए इसको पहले ठीक करना है। चलिए मैं दूसरा कंडीशन पे दिखाता हूँ कि ग्राउंड फॉल्ट होता है, तो वो भी दिखाता हूँ मैं। दोस्तों इस डिटेक्टर में मेरा 91 है, ये 91 पैनल में मेरा अर्थ फॉल्ट है, ग्राउंड फॉल्ट करके है। तो जिसकी वजह से मेरा 91 में पैनल में चेक किया तो 91 से ऊपर नहीं दिखा रहा है। मेरा डिटेक्टर ये 91 है, इसके आगे मेरा सप्लाई नहीं जा रहा है। हो सकता हो यहीं पे कोई ग्राउंड फॉल्ट हो। तो मैं इसको खोलता हूँ, खोल करके मैं इसको देखता हूँ कि क्या है इसमें प्रॉब्लम। 91 डिटेक्टर नंबर है। अब मैं इसको, इसका जो कनेक्शन कैसे हुआ है वो देखता हूँ मैं। देखिए ये, हाँ, इसमें ग्राउंड फॉल्ट हुआ है। ग्राउंड फॉल्ट यानी पॉजिटिव में, नेगेटिव में तो एक ब्लैक है, पॉजिटिव में भी एक ब्लैक है, लेकिन दूसरा वाला वायर मेरा जेबी के साथ टच होने की वजह से पैनल में भी दिखा रहा है। ये वाला वायर जेबी के साथ टच था दोनों, इसकी वजह से मेरा आगे वाला डिटेक्टर काम नहीं कर रहा था। तो इसको देखना पड़ेगा। ये मेंटेनेंस में भी लोग कुछ कर देते हैं, उल्टा काम, उल्टा कनेक्शन कर देते हैं, या चारों वायर को एक जगह कर देते हैं, तो वो अर्थ फॉल्ट में दिखा देता है, ग्राउंड फॉल्ट में दिखा देता है। तो इसको सही से कनेक्शन करना है। इसको कनेक्शन करता हूँ पहले सही से, उसके बाद ये ग्राउंड फॉल्ट हट जाएगा मेरा डायरेक्ट, इसमें से भी, आइसोलेशन मॉड्यूल से भी हट जाएगा। अब इसका कनेक्शन सही से हो गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव में, रेड वाला पॉजिटिव, रेड वाला नेगेटिव में, ब्लैक वाला नेगेटिव में हो गया है कनेक्शन। अब डिटेक्टर को लॉक करता हूँ इसमें।
अब मेरा इससे आगे वाला डिटेक्टर काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों लूप कार्ड में जो ग्राउंड फॉल्ट दिखाता है उसका एक लाइट इंडिकेटर होता है, वो जलेगा तो ये इसका मतलब यह है कि लूप में कहीं ग्राउंड फॉल्ट चल रहा है। जैसे यहाँ देखेंगे आप, यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये अर्थिंग फॉल्ट, यानी ये जो ये एक लाइट, ये दो लाइट, ये दोनों लाइट यानी दोनों जो एलईडी लाइट है ये ब्लिंक करेगा। अभी मैं उसको फॉल्ट को ठीक करके आ गया हूँ तो इसलिए नहीं कर रहा है। तो ये इस तरह से ब्लिंक करने का मतलब, यहाँ अगर ब्लिंक करेगा, मतलब अगर यहाँ ब्लिंक करेगा तो इसका ये मतलब है कि आपके सर्किट में कहीं प्रॉब्लम, फॉल्ट लूप कहीं अर्थिंग हो गया है, यानी कोई जेबी से कनेक्ट हो गया या कोई बॉडी से कनेक्ट हो गया है। तो इसको नहीं रखना है ऐसा, इसको पहले ठीक करना है।